द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। यूं तो मोदी जी और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार को लेकर बड़ी बड़ी बातें करती है, कहती है कि हमारा दामन जो है वो बिल्कुल साफ है, हमें कोई भ्रष्टाचार नहीं है। लेकिन सीबीसी ने यहाँ पर एक एनुअल रिपोर्ट सौंपी है जिसके आंकड़े देखकर आप हैरान रह जाएंगे। सीबीसी के मुताबिक सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार अगर किसी मंत्रालय में है तो वो गृह मंत्रालय में है, यानी कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार अमित शाह के गृह मंत्रालय में है। यहाँ पर अधिकारियों के खिलाफ कई हजार शिकायतें हैं जिसमें ये नंबर वन पर बने हुए हैं, और इसे लेकर गोदी मीडिया किस तरह से चुप्पी बनाए हुए हैं वो भी आपके सामने है। अगर ये किसी और को लेकर या किसी और पार्टी के नेता को लेकर ये रिपोर्ट होती है, इस तरह का कोई आंकड़ा होता, तो उसके बाद आप तमाशा देखते कि किस तरह से सुबह से शाम तक आपको उसी डिबेट पर, उसी टॉपिक पर जो है वो डिबेट देखने को मिलती। क्योंकि यहाँ पर बात जो है वो मोदी सरकार की है, तो यहाँ पर गोदी मीडिया भी चाटुकारिता करने में लीन हुई पड़ी है। क्या है पूरा मामला आपको बताते हैं। सीबीसी ने अपनी एनुअल रिपोर्ट सौंपी है, इससे पहले कैग ने रिपोर्ट दी थी। सीबीसी ने यहाँ पर रिपोर्ट सौंपी है जिसमें बताया गया है कि गृह मंत्रालय में सबसे ज्यादा भ्रष्ट अधिकारी हैं। अकेले गृह मंत्रालय के अधिकारियों के खिलाफ कई हजार शिकायतें हैं। यह आंकड़ा है 46,643 शिकायतें जो हैं वो अकेले गृह मंत्रालय के अधिकारियों के खिलाफ हैं भ्रष्टाचार के मामले में। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि किस तरह से, वैसे तो बड़ी बड़ी बातें होती हैं कि हमारी सरकार का दामन साफ है, लेकिन उनके अपने मंत्रालय में अपने अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के इतने ज्यादा मामले हैं कि वो नंबर वन पे बना हुआ है और उन्हें कानों कान खबर भी नहीं है। वहीं आपको कैग की रिपोर्ट भी बताएंगे कि किस तरह से कैग ने भी इनको लेकर कई तरह की रिपोर्ट दी है और किस तरह से उन्होंने भी जो है भंडाफोड़ किया है। लेकिन अफसोस की बात है कि इन रिपोर्टों पर ना तो कोई पत्रकार ताल ठोक के करेगा, ना ही कोई चैनल इसे लेकर पूछता है भारत करेगा। अब अपने स्क्रीन पर बोलता हिंदुस्तान का ये ट्वीट देख रहे हैं, इसमें यहाँ पर जानकारी दी है और लिखा है कि अमित शाह का मंत्रालय भ्रष्टाचार में नंबर वन पर है। 46,643 शिकायतें गृह मंत्रालय के अधिकारियों के खिलाफ मिली हैं। ये नंबर वन पर भ्रष्टाचार के मामले में इनका जो मंत्रालय है वो नंबर वन पे बना है और इन्हें कानों कान खबर भी नहीं है। इनकी नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा है लेकिन इन्हें कानों कान खबर भी नहीं लग रही। अब इस पूरे मामले में दैनिक भास्कर का ये आर्टिकल देखिए जिसमें राउंड फिगर दी गई है, कुछ आंकड़े दिए गए हैं और इसी को आपके सामने रख रहे हैं। हेडलाइन में लिखा है 2022 में भ्रष्टाचार की 1,15,000 शिकायतें सतर्कता आयोग पहुंची, गृह मंत्रालय के कर्मचारियों की 46,000 कंप्लेन है। 2021 में भी सबसे ज्यादा इन्हीं की थी। तो यहाँ पर दैनिक भास्कर ने एक और बात बता दी है कि 2021 में भी सबसे ज्यादा इन्हीं की कंप्लेन थी, यानी कि 2021 में भी गृह मंत्रालय भ्रष्टाचार में अधिकारियों के खिलाफ जो भ्रष्टाचार के मामले हैं उसमें भी नंबर वन पे बना हुआ था। और 2022 की जो एनुअल रिपोर्ट सीबीसी ने सौंपी है उसमें भी गृह मंत्रालय के अधिकारियों का भ्रष्टाचार में कोई मुकाबला नहीं है। इसी के साथ आगे लिखा है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि सीबीसी ने देश के सबसे भ्रष्ट कर्मचारियों को लेकर अपनी एनुअल रिपोर्ट जारी की है। इसके मुताबिक 2022 में केंद्रीय गृह मंत्रालय के कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की सबसे ज्यादा शिकायतें मिली थी। 2021 की रिपोर्ट में भी गृह मंत्रालय के कर्मचारी सबसे आगे थे, 2022 में भी सबसे आगे हैं। तब उनके खिलाफ 37,670 शिकायतें मिली थी। इस बार दूसरे नंबर पर रेलवे और तीसरे नंबर पर बैंकिंग सेक्टर रहा है। पिछले साल भी यही दोनों विभाग दूसरे तीसरे नंबर पर थे। तो यहाँ तो ये कहते हैं कि हमारी सरकार में भ्रष्टाचार हम खत्म कर देंगे, लेकिन इनकी अपनी घोटालों की कहानियां ही चुप नहीं रही हैं, इनके अपनी घोटालों की कहानियां ही खत्म नहीं हो रही है। कैग रिपोर्ट की बात करें तो हाल ही फिलहाल में कैग ने एक रिपोर्ट सौंपी, उसमें बताया कि द्वारका में ये लोग जो एक्सप्रेसवे, जो हाईवे बनवा रहे हैं उसमें जो लागत दिखाई गई है उससे दिगुना तिगुना चौगुना खर्चा किया है। आप अपनी स्क्रीन पर एबीपी का यह आर्टिकल देख रहे हैं, इसमें उस कैग रिपोर्ट का जिक्र किया है।
साथ ही आपको ये भी बताऊंगी कि जब मनमोहन सरकार के वक्त, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और कांग्रेस की सरकार थी, तो उस वक्त एक कैग रिपोर्ट सामने आई थी और उस कैग रिपोर्ट ने मनमोहन सरकार को हिला कर रख दिया था। नौबत ये आ गई कि एक मंत्री को जेल भी जाना पड़ा। और जब 2010 में कैग की रिपोर्ट आई थी, मनमोहन सिंह की जब सरकार थी 2010 में कैग की रिपोर्ट आई थी, और 2014 में जब चुनाव हुए तो कांग्रेस को 2014 के चुनाव में भारी हार का सामना करना पड़ा। मनमोहन सरकार 2014 में चली गई, ये कैग का असर था। लेकिन अब जो कैग की रिपोर्ट सामने आ रही है, उस पर तो किसी का ध्यान ही नहीं है कि इतना बड़ा घोटाला, इतना बड़ा गड़बड़ झाला आखिरकार कैसे हो रहा है। एबीपी का ये आर्टिकल देखिए, जिसमें लिखा है, इसमें लिखा है कि हरियाणा से दिल्ली तक बन रहे द्वारका एक्सप्रेसवे में हो रही गड़बड़ियों का कैग ने उजागर किया है। कैग के मुताबिक सरकार ने 18 करोड़ रुपए में इसे बनाने की अनुमति दी थी। ध्यान से सुनिए, 18 करोड़ रुपए में सरकार ने इसे बनाने की अनुमति दी थी, लेकिन इस पर जो खर्चा हुआ है वो 250 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ। 18 करोड़ रुपए में सरकार ने इसे बनाने की अनुमति दी, लेकिन इसमें जो खर्चा हुआ, जो लागत दिखाई गई, वो 250 करोड़ रुपए है। अब आप सोचिए कि इतना सादा, इतना बड़ा घोटाला और इतने सारे पैसे आखिरकार किसकी जेब में गए? ये कौन है जो जिस थाली में खा रहा है उसी में छेद कर रहा है? इसमें लिखा है कि लेकिन एनएचएआई ने इसे बनाने में 250 करोड़ रुपए का खर्चा किया। एक तरफ 18 करोड़ रुपए जिसकी अनुमति सरकार ने दी और बनाने में जो खर्चा आया वो 250 करोड़ रुपए। इसका भी, इसे लेकर भी कैग ने रिपोर्ट सौंपी थी, लेकिन इसे लेकर जो है कहीं भी आपको कोई भी चर्चा नहीं दिखाई देगी। एक और दो घोटाले धांधली देखते जाइए। आयुष्मान योजना में हुई धांधली का खुलासा भी कैग रिपोर्ट ने किया। रिपोर्ट के मुताबिक आयुष्मान योजना के तहत 3,446 ऐसे मरीजों के इलाज पर 6.97 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया जो पहले ही मर चुके थे। ये आप देख रहे हैं कि आयुष्मान, जो आयुष्मान योजना में जो धांधली हुई है वो भी आपके सामने है। करोड़ों रुपए ऐसे लोगों के नाम पर खर्च कर दिए जो दुनिया में है ही नहीं, जो पहले ही मर चुके हैं। ये पैसा किसकी जेब में गया, ये भी सवाल है। अयोध्या मंदिर, जो बीजेपी का सबसे बड़ा मुद्दा है, अयोध्या विकास को लेकर बनाए जा रहे स्वदर्शन योजना पर भी कैग ने सवाल उठाया। कैग के मुताबिक इस परियोजना में ठेकेदारों को 19.73 करोड़ रुपए का अनुचित लाभ दिया गया है। कैग रिपोर्ट के मुताबिक आयुष्मान योजना के तहत 7.5 लाभार्थी एक ही संख्या के मोबाइल नंबर से जुड़े हुए हैं। रिपोर्ट में भारी धांधली का जिक्र किया गया है। अब बात करते हैं जब मनमोहन सिंह सरकार थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी 2010 में, तो एक कैग रिपोर्ट आई। इस कैग रिपोर्ट ने पूरी की पूरी सरकार को हिलाकर रख दिया। हालात ये हुए कि 2014 में जब लोकसभा के चुनाव हुए तो मनमोहन सिंह की सरकार जो है वो चली गई और उसके बाद जो है बीजेपी ने इस पर कब्जा जमा लिया। आप अपनी स्क्रीन पर वो आर्टिकल देख रहे हैं। 2010 में कैग ने एक रिपोर्ट जारी की जिससे तत्कालीन मनमोहन सिंह की सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी। कैग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि 2G स्पेक्ट्रम के आवंटन में धांधली की गई है। ये आवंटन साल 2018 में किया गया। कैग के मुताबिक 2G आवंटन में धांधली की वजह से सरकार को 1.76 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। उस वक्त एक मंत्री का नाम सामने आया, एक मंत्री को जेल भी जाना पड़ा। और हालात ये हुए कि जब 2014 में चुनाव हुए तो ये कैग का रिपोर्ट का असर देखने को मिला और 2014 में कांग्रेस जो है बीजेपी से बुरी तरीके से हार गई और यहाँ पर मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद भी आप देख रहे हैं कि धांधलियों की पूरी लिस्ट है। यहाँ तक कि उनके विभाग के कर्मचारी भी भ्रष्टाचार में नंबर वन बन रहे हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर रहे और उन्हें इस बात की भनक भी नहीं लग रही। गृह मंत्री को अपने मंत्रालय के अफसरों के बारे में जानकारी नहीं है, या फिर उन्हें ये नहीं पता कि उनके अफसर 2021 में भी, उनके मंत्रालय के अधिकारी 2021 में भी और 2022 में भी भ्रष्टाचार के मामलों में नंबर वन पे बने। क्या बात है, ऐसा हो सकता है कि गृह मंत्री को कानों कान इस बात की खबर ही ना हो? आप इसे लेकर क्या सोचते हैं, कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताए। इसी के साथ जिस तरह से लगातार एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं मोदी सरकार को लेकर, अब तो गृह मंत्रालय को लेकर भी एक खुलासा हो गया है कि यहाँ पर जो गृह मंत्रालय के अधिकारी हैं वो भ्रष्टाचार में नंबर वन पर हैं। 2021 में भी थे और 2022 में भी थे। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।